आज क्रूड की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव $83 और WTI $79 के करीब कारोबार करते नजर आए हैं। वहीं घरेलू वायदा बाजार में क्रूड का अक्टूबर वायदा 5,962 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। क्रूड की कीमतों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। दरअसल क्रूड में यह तेजी ओपेक प्लस की बैठक के बाद आई है। ओपेक की प्लस की बैठक में नवंबर तक 4,00,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन का फैसला लिया गया है। ओपेक की बैठक 4 नवंबर को दोबारा होनी है, जिसमें ओपेक फिर से कच्चे तेल पर कुछ फैसले लेगा। क्रूड में तेजी की वजह पर नजर डालें तो ग्लोबल इकोनॉमी के खुलने से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, साथ ही क्रूड की मांग में भी भाग बढ़ी है। वहीं उत्पादन और सप्लाई में दिक्कत के चलते भी इसमें तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ती कोयले की कीमतें और ठंड से पहले मांग और बढ़ने की संभावना से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी के चलते भारत की पेट्रोल डीजल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। भारत कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। जानकारों के अनुसार अगर विदेशी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में और उछाल आता है तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ना तय ही समझो। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।